खेल निदेशालय द्वारा आज प्रोजेक्ट भवन में खेल मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा 6 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। साथ ही खिलाड़ियों को सहायता राशि और प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। देश में खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन झारखंड में खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशिक्षकों को भी उचित सम्मान दिया जाता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए प्रयास किया जा रहा है, जहां नए एकलव्य खेल केंद्रों यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन खेल मंत्री हफीजुल हसन के हाथों हुआ। वहीं झारखंड सरकार खिलाड़ियों के कोच को नियुक्ति पत्र भी दे रही है। इस कार्यक्रम के दौरान कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, आर्चरी और फुटबॉल से 18 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो 16 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही 24 जिलों के पास्ट चैंपियन एथलेटिक्स को भी नियुक्ति पत्र से नवाजा गया। बच्चे में हम लोग देख रहे हैं काबिलियत, उसी के तहत कोच का भी ज़रूरत है और हम लोग एक अच्छा खेल का माहौल भी देने जा रहे हैं और आगे और भी कोचेज का और इंटरनेशनल कोच का भी हम लोग नियुक्ति करेंगे बहुत जल्द। अभी ये तो ये भी ठीक है, इस हाई लेवल का कोच है, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी अच्छा करने लगेंगे तो हम लोग और भी कोच को नियुक्ति करेंगे। पिछली बातों को भुलाने की बात आपने कही है, जो सरकार ने आगे नई शुरुआत करने की। नहीं, देखिए खेल जहाँ जब स्पोर्ट्स जो होता है इसमें पीछे देख मुड़ के देखना नहीं पड़ता, आगे आप देखिए। ये जो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जिसको बोलता है, उस लिहाज से हम मैंने बोला कि पीछे नहीं देखना है बच्चे को, आगे देखना कि आगे हमको क्या करना है। तो सरकार भी और खिलाड़ियों के लिए और कुछ करेगी इस तरीके का, जिस तरीके का अभी हम लोग और आगे प्लानिंग है, ठीक है ना। और हम लोग जैसे अभी कुछ को हम सहायता राशि भी दिए हैं, चोट लगा है, कोई बीमार पड़ा है उसको दिए हैं, और हम लोग पेंशन भी देने जा रहे हैं। और खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहे हैं उसका भी नया हम लोग लाने जा रहे हैं कि उसको हम लोग कुछ स्कॉलरशिप दें, मैंने खेलने के लिए सारा चीज़ तो हम लोग छात्रवृत्ति हम लोग तो दे ही रहे हैं, और कुछ अलग से पैसा दें जो बढ़िया खेल रहा है कुछ खर्चा। तो आज सर कुछ खिलाड़ी किट लेने से मना कर दिए, बोले मैंने उसमें हुआ क्या था, हाँ वो आउटडेटेड ने, वो थोड़ा कम रेंज का था, ठीक है, छोटा का था, तो इन लोगों को चाहिए बड़ा रेंज का, तो लाने में थोड़ा ये हो गया, उसको हम बदलवा दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाने के बाद प्रशिक्षकों को जो खुशी मिली उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, सभी झारखंड सरकार और खेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षकों की माने तो नियुक्ति पत्र ऐसा सम्मान है जिसके जरिए उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और वह पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चों को प्रशिक्षित कर पाएंगे। साथ ही कहा कि पहले से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सराहनीय प्रयास रहा है खेल विभाग का। खेल विभाग खिलाड़ियों को तो हर बार सम्मान देता है, इस बार कोचों को भी सम्मान मिला है, काफ़ी खुश हैं हम लोग। झारखंड में देखिए, झारखंड में काफ़ी पोटेंशियल है, कमी तो है नहीं, कमी है तो थोड़ी सरकार अगर और भी इस चीज़ पर ध्यान दे तो हम लोग जो जिस तरह से हमारे झारखंड का रिजल्ट रहा है, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी निकल के सामने आए हैं, और भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे खिलाड़ी हमारा नाम अंकित करेंगे। सरकार को करेंगे, प्रकाश राम तेंदा जी कोच। सर ये काफ़ी हर्ष और खुशी की बात है, हम सभी स्पोर्ट्स प्लेयर्स ये बोलिए या जो भी कोच बोलिए, तो सर इस मतलब कि बहुत ही इस सरकार में यह देखने को मिल रहा है कि लगातार खेल के प्रति इतना चिंतित है, और आगे आने वाला भविष्य काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तुरंत बाद कोऑर्डिनेटर का बहाली करना, कोच लोगों का बहाली करना, सारे गांव क्षेत्र पर पंचायत से बच्चों का सिलेक्शन करना, यह बहुत ही हर्ष की बात है कि धीरे धीरे खेल को काफ़ी आगे तक ले जाने के प्रयासरत हमारे झारखंड सरकार है, यह बहुत ही हर्ष की विषय है। सर अमित साहु, धन्यवाद।
कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे गरीब खिलाड़ियों के बीच खेल उपकरणों का वितरण किया गया जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वह अपने पैसों से उपकरण नहीं खरीद सकते। खेल वितरण सामग्री में एक अनोखी बात देखने को मिली कि खिलाड़ियों ने सामग्री लेने से इनकार किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह छोटे बच्चों के लिए है, तो मंत्री हफीजुल हसन ने इसे मानते हुए कहा कि इन्हें जल्द ही उनके अनुसार धनुष दिया जाएगा। वहीं धनबाद के खिलाड़ियों की मांग है कि एक आवासीय सेंटर धनबाद में भी खुलना चाहिए। मेरा नाम रिंकू है और मैं स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि मैं बोकारो से हूँ। और ऐसे ही खेल को बढ़ावा देना है और हम लोग को देखना है कि जहाँ भी जो भी चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम हो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक खिलाड़ी थे पहले, तो अब तो खैर अच्छी बात है, हम लोग को नियोजन मिल चुका है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो भी नीचे स्तर से बच्चे आते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनके खेल कूद पर ध्यान दिया जाए और उनको जो भी चीज़ें की ज़रूरत की चीज़ें हैं हम लोग प्रोवाइड करवा सकें सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश हैं हम लोग उसके लिए। और कुछ नाराज़गी भी थी कि वो इक्विपमेंट एक्चुअली वो हमारे हिसाब का आता है, वो हमारे ड्रो लेंथ जो होता है हमारे हाथ के हिसाब का आता है, वो हमारे हाथ के हिसाब का नहीं था, वो बिगनर बच्चों के था, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए था, तो इसलिए हम लोगों ने उन्होंने दे दिया। वो उन्होंने कहा है कि मुझे हम फिर हम लोग देंगे आपको दूसरा। और बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या कुछ है आपको, क्या कुछ होना चाहिए या फिर झारखंड में क्या कुछ उम्मीदें? हम लोग सेंटर चाहिए झारखंड में, कि यहाँ से हम लोग आर्चरी सेंटर, अभी फ़िलहाल तो दो सेंटर हैं अभी झारखंड सरकार की तरफ से, और भी अलग अलग एरिया में, जैसे धनबाद में हमारा कोई सेंटर नहीं है, तो धनबाद में एक सेंटर चाहिए, क्योंकि धनबाद से बहुत सारे खिलाड़ी, मैं धनबाद की हूँ, बहुत सारे खिलाड़ी धनबाद से निकले हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किए हैं। तो हमारे एक टाटा स्टील से चलती है सेंटर, लेकिन एक सरकार की तरफ से आवासीय का हम लोग मांग करते हैं कि एक आवासीय हमारे धनबाद में भी होना चाहिए, ताकि वहाँ से भी बच्चे जो हैं वो आगे निकल कर आएँ। नाज़िया परवीन, धनबाद। बहरहाल सरकार की यह पहल सराहनीय है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ होने से कितने प्रशिक्षक और खिलाड़ियों को इससे लाभ मिल पाता है।